Hello everyone, Namaskar. My name is Bhagirath Goswami and I am founder at beingexporter.com. पिछले चंद वर्षों से हम लोग एक मुहिम पर जुड़े हुए हैं और वो ये है भारत से अधिक एक्सपोर्ट हो, यानी कि भारत से अधिक एक्सपोर्टर्स क्रिएट हो और जो एक्सपोर्ट करती हुई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बिजनेस को स्केल अप करें। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ बहुत मूल्यवान सब्जेक्ट्स पे बात करने वाला हूँ। बिफोर आप पूरा वीडियो बैठें देखें या उसके लिए माइंडसेट रेडी करें, मैं आपको की सब्जेक्ट्स कौन से कवर करने वाला हूँ इन चंद मिनट के वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्सपोर्ट बड़ा आसान है, यानी कि एक्सपोर्ट इज ईजी। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, यानी कि आपके पास किस प्रकार के प्रोडक्ट्स या किस प्रकार की सर्विसेज होनी चाहिए, आप कौन होने चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपना बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हम एक बहुत ही स्पेसिफिक एक गहरा पॉइंट टच करेंगे जो है टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि आप यहाँ बैठे हैं, विश्व का कोई और व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या सिक्योरिटी है, पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा या नहीं आएगा तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑल्सो वी विल बी एक्सप्लोरिंग किस प्रकार की रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, यानी यहाँ से आपका जब शिपमेंट जाता है तो वहाँ तक पहुँचने से, या फिर अगर आपने किसी प्रकार का क्रेडिट में कंसाइनमेंट दिया है, किसी भी प्रकार की इसमें रिस्क है तो वो रिस्क क्या है और उसकी कैसे रिस्क मैनेजमेंट की जा सकती है, रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। फिर हम कवर करेंगे आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट को सेल्स अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सेल कैसे किया जाए, कैसे आप सेल्स कर सकते हैं, कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट मैं आपके साथ कुछ केस स्टडी शेयर करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे व्यक्तियों की मैं आपके साथ केस स्टडी शेयर करूंगा, आपको लगेगा इज इट रियली दैट इजी। चलिए जर्नी शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये एक्सप्लोर करेंगे एक्सपोर्ट इज इजी, यदि ये मैंने कहा है तो मेरे पास क्या तथ्य है या कौन से बेसिस पे मैं आपसे शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट करने के लिए काफी बार ये कम्युनिकेशन आता है कि क्या मैन्युफैक्चरर होने की आवश्यकता है, जवाब है नहीं, आपको एक्सपोर्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरर होने की आवश्यकता नहीं है। वन, सेकेंड, आपके पास बड़ी मात्रा में फंड होने चाहिए, नो, यानी कि आप कहीं स्टार्टअप हैं, आप कोई इंडिविजुअल हैं या आप एक सॉर्टेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप बिल्कुल आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या आपके पास विशेष कोई लैंग्वेज की आवश्यकता है, यानी कि आपको कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश या चाइनीज या ABC XYZ? द आंसर इज नो, ऐसी किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो एक्सपोर्ट अगर इन सब चीज़ों से लेकर के अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्टिव मोड में ले जाता है या लिमिटेशंस क्रिएट करता है तो एक्सपोर्ट आसान है। कौन से बेसिस पे मैं आपसे शेयर करता हूँ, हमारे साथ 21 ईयर ओल्ड फेलो जुड़ता है जो कि एक किसान है और देखते ही देखते वो एक्सपोर्टर बन जाता है। एक अपने आप में वरिष्ठ ऑर्गेनाइजेशन जिनका टर्नओवर बहुत बड़ा है और वो प्रसिद्ध हैं भारतवर्ष में, आरओ प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारे साथ जुड़ के चंद वीक्स में उन्होंने देखते ही देखते मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जिसकी लास्ट ईयर की एग्जाम देनी अभी भी बाकी है वो हमारे साथ जुड़ता है और एक महीने के अंदर उसका कंसाइनमेंट चला जाता है, देखते ही देखते मल्टीपल कंट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति जो नौवीं कक्षा में पढ़े हुए हैं, केवल नौवीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, बहुत सारी कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स को भेजते हैं। आइए समझते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं इसमें अवेलेबल और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे समझा जाए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा गौर करिएगा, पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के सब्जेक्ट तक आप ना रुकें, आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को इसी तरीके से देख सकते हैं। एक, भारत में लाखों किलोमीटर का क्षेत्र है जहाँ पर खेती बाड़ी होना संभव है और ऑलरेडी खेती बाड़ी होती है, हमारे पास महान नदियाँ हैं, अपार शक्ति से वो बहती रहती हैं और अच्छे से फसल होती है, बारिश बहुत अच्छी संख्या में एवरी ईयर बहुत सही तरीके से रीच करता है, अधड़क संख्या में किसान है हमारे पास, हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं और फल फ्रूट भाजी तरकारी ग्रेन पल्सेस का प्रोडक्शन होता है। इस चीज़ को यहाँ पर रखते हैं। आइए दूसरी चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। विश्व में काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन नहीं है, यानी कि उनके पास खाने पीने के लिए ये सारी चीज़ें उनके यहाँ पर ना बनती हैं ना कोई चांसेस हैं बनने का, तो फिर वो लाएंगे कहाँ से? क्वेश्चन ये आता है कि फ्रॉम वेयर दे विल गेट ऑल दिस प्रोडक्ट्स। द आंसर इज वी पीपल विल सप्लाई, यू विल सप्लाई। द पॉइंट इज आपको ये देखना है कौन कौन सी चीज़ वस्तुएँ यहाँ पर ऐसी हैं जो भारी मात्रा में बनती हैं या अवेलेबल हैं आसानी से, और विश्व में काफ़ी जगह पर इनका किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप एक अच्छे फैब्रिक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको ये देखना है गारमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, फैब्रिक आप उनको सप्लाई करें सो दैट दे बिकेम मोर एंड मोर जायंट प्लेयर एज अ गारमेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
आपको केवल जानकारी लेने तक की डिस्टेंस को कंप्लीट करना है, यानी आपको एक प्रोसेस को समझना होगा कि सप्लाईज एंड डिमांड, सप्लाईज एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का लॉ जो है उसको आपको समझना होगा। अगर आप एक प्रोडक्ट के बारे में समझ सकते हैं, गौर करिएगा, आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में समझ सकते हैं, यानी कि अनंत प्रोडक्ट्स के बारे में समझ सकते हैं। हम ऐसी प्रूवन सिस्टम आपके साथ शेयर करते हैं, वहां पर आपको पता चलता है एक प्रोडक्ट का अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कितने करोड़ों का, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का या थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का मार्केट है। उतना ही नहीं, कौन कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जो रिस्पॉन्सिबल इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए, यानी आपके पास एग्जिस्टिंग मार्केट कौन कौन से हैं जो राह देख रहे हैं आपको अपनी प्रोडक्ट उनको पिच करना है। बड़ा आसान है, जब आप ये देखेंगे आपको पता चलेगा कितने हजारों करोड़ों का मार्केट है, अनंत संख्या में आप प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें से अपनी प्रोडक्ट्स को चुन सकते हैं। जब आपने प्रोडक्ट का चुनाव कर लिया, प्रोडक्ट का चुनाव करने के बाद आप खरीदेंगे कैसे, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से। आज ज़रूरत है भारत को ग्रो करने की, आज ज़रूरत है हमें अपने नेशन के बारे में अपना प्यार एक्सप्रेस करने की, आज ज़रूरत है हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जा करके बिजनेस करने की, ताकि समृद्ध जीवन जीना बड़ा आसान है। इस भारत मैया के साथ हम जुड़े हैं, यहाँ पर भारत में हमारा जन्म हुआ है और ये हमारे लिए प्रिविलेज है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो केवल इंडिया बनाता है और विश्व में वी कैन सप्लाई ऑन अ वेरी इजी बेसिस। We will continue with the communication call terms condition क्या होती है। First of all, आप direct उधार में बेचते हैं, मैं recommend करूँगा बिल्कुल नहीं करिएगा, choice is yours। Second, कुछ payment आपने ले लिया, production करना शुरू किया, production complete करने के बाद आपने आगे communicate किया, payment receive किया और सारा का सारा shipment आपने load कर दिया, यानी कि partial payment along with the booking and rest of the money before you dispatch the consignment। And third, 100% एडवांस। सो बेसिकली दीज आर थ्री काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। 100% एडवांस यानी कि आज आपने पैसा ले लिया और आपने सही ड्यूरेशन में, कमिटेड ड्यूरेशन में कंसाइनमेंट को शिप कर दिया। यहां बात आती है रिस्क की। पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल रिस्क क्या है। फाइनेंशियल रिस्क, एडवांस ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्सल ले लिया और अगेन यू आर टेकिंग एडवांस मनी बिफोर यू आर सेंडिंग द कंसाइनमेंट, सो यू आर फ्री। हेयर कम्स अ कम्युनिकेशन कॉल। अगर आपने उधार दिया है तो क्या, थोड़ा गौर करिएगा, आप एक भारत से एक्सपोर्टर हैं और विश्व के किसी कोने में कोई इंपोर्टर है, आप उनको नहीं जानते, आप ये कहेंगे मैंने मटेरियल भेज दिया पैसा नहीं आया तो क्या, और अगर उन्होंने खरीदा आपसे और वो ये कहेंगे कि भाई साहब आपने पत्थर भेज दिए तो क्या, मैं एडवांस पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, बट देन देर इज अ कॉन्वर्जेशन अबाउट ट्रस्ट। हियर बैंक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द एंटायर कॉन्वर्जेशन, इन द एंटायर कम्युनिकेशन, इन द एंटायर डील। वो वहाँ की लोकल बैंक को अप्रोच करता है, आप अपने लोकल बैंक को अप्रोच करते हैं, नाउ दिस डील बिकेम बिटवीन टू बैंक्स, ये दोनों बैंक्स आपस में डील करती हैं, यानी आप सेफ हो जाते हैं। देर आर पॉलिसीज, देर आर प्रोसीजर्स, आप जब बैंक में जाकर के बात करेंगे आप दंग रह जाएंगे, एक्सपोर्ट इज दैट सेफ, एक्सपोर्ट इज दैट इजी। लास्ट में मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा पर्टिकुलरली रिस्क को लेकर के। एग्जाम्पल के तौर पर एक 10 लाख रुपए का आपने शिपमेंट भेजा है और यदि वो डिफॉल्ट हुआ, यानी कि पार्टी ने पेमेंट नहीं किया, तो आपको यहां उसके 8 लाख रुपए, 8.25 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए, डिपेंड कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी कंट्री है, यहां पर भारत में आपको मिल जाते हैं। जानकर ताज्जुब हो रहा होगा आपको, बिल्कुल। इस वीडियो बनाने का जरिया, इस वीडियो बनाने का पर्पस और ये ऑनलाइन का जरिया यही है कि हम मैक्सिमम लोगों तक अवेयरनेस लेकर आ पाएं कि ये बड़ा आसान है। आपको समझना है कौन सी बॉडीज के साथ आपको बात करनी है। वंस यू विल बी गोइंग देयर, यू विल बी सरप्राइज टू गेट अ डिटेल अबाउट योर मनी इज सेफ। अगर मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस दावे के साथ कहता हूं, तो आपके पास मन में प्रश्न आना वैलिड है कि मार्केट में जिनका नुकसान हुआ है वो क्या है। लिसन, किसी के कही सुनी बातों पे ना जाएं, ये सारी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके साथ जाएं, बात करें, कप ऑफ कॉफ़ी एक्सचेंज करें, या तो मिलने चले जाएं या मिलने बुला लें और सभी चीज़ों को रिजॉल्व करें। मींस एक्सपोर्ट इज़ नॉट रिस्की एट ऑल, इनफैक्ट एक्सपोर्ट इज सेफ, यू मस्ट डू एक्सपोर्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन एज सेल्स एंड देन सेल्स स्ट्रैटेजी। चार प्रूवन तरीके मैं आपसे शेयर करूंगा। एक, यहां पर बैठे कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, और दूसरा बाहर जाकर के कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। यहां पर बैठ करके बिजनेस करने के दो तरीके हैं, यानी कि भारत में रह के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाहर जाकर के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घूम के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। मैं आपसे चार प्रूवन तरीके शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, ये ओनली फोर तरीके नहीं है, सो दीज आर नॉट ओनली फोर वेज, बट दीज आर द फोर प्रूवन वेज। आइए बात करते हैं यहाँ पर बैठ करके कैसे किया जाए। भारत में एग्जीबिशंस होते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बड़ी मेहनत करके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं और एक्टिविटी करती हैं।
आपको केवल अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले उनके स्टॉल्स उनके साथ जुड़ करके अपने स्टॉल पे लगाना है, फॉरेन से बायर लाना, उनको एस्कॉर्ट करना, यहाँ पर एकोमोडेट करवाना, आपके स्टॉल तक लेकर आना, सारी जवाबदारी उनकी होती है। आप केवल अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, एक फॉरेन बायर आपके पास आता है, आप बेली टू बेली मीट करते हैं, प्रोडक्ट सैंपल शो करते हैं, टर्म्स कंडीशन की बात करते हैं, इतनी आसानी से बिजनेस होना शुरू हो जाता है। एक्सप्लोर करिएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, भारत में बैठकर पहला तरीका। थोड़ा और स्पेसिफिकली बात करते हैं, थोड़ा और इजी कर लेते हैं, यहां बैठ करके दूसरा तरीका क्या है, आप अपने ऑफिस में बैठ करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आज के एरा में, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल मार्केट की जब हम बात करते हैं। तो आपने किसी ना किसी सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट एक्टिवेटेड ही होगा, यदि वो पर्सनल हुआ तो पर्सनल, यदि वो ऑर्गेनाइजेशनल हुआ तो ऑर्गेनाइजेशनल। मैं पर्सनल एग्जांपल लेकर आपसे को शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, आप जब फेसबुक अकाउंट अपना ओपन करते हैं, कुछ देखने आते हैं, तो आपको दो चीज़ें दिखाई देती हैं, एक जो आप देखना चाहते हैं, दूसरा जो आपको दिखाई जाती हैं, यानी कि स्पॉन्सर की हुई एडवर्टीजमेंट्स। आपको नहीं मालूम बायर कौन है, लेकिन सोशल मीडिया को मान के चलिए, उनको पता है कि आपका बायर कौन है, यानी कि उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उनके पास कैप्चर्ड होते हैं। आप सोशल मीडिया से एक एड स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस को, कंट्री टैप करते हैं, और एक एडवर्टीजमेंट फ्लोट करता है, वहाँ पर पहुँचता है उन लोगों को जो आपके प्रोडक्ट के इंटरेस्टेड बायर्स हैं। अब आप जब ये एक्टिविटी को फ्लो करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करना शुरू करते हैं, आप दंग रह जाते हैं, इतनी आसानी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बायर मिलना संभव होना दिखता है। आइए बात करते हैं बाहर घूम करके कैसे किया जाए। अगेन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड फ्यू मोर बॉडीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यू पीपल टू अब्रॉड। दैट मीन्स यहाँ से आप बाहर जाते हैं, एक एक कंट्री में, उसमें दो प्रकार के एग्जीबिशन होते हैं, एक कंट्री प्रिसाइज होता है, एक होता है प्रोडक्ट प्रिसाइज। एक कंट्री में एक प्रोडक्ट का एग्जीबिशन हो रहा है, या फिर उसी कंट्री में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, बायर की प्रोफाइल क्या है, कौन है, कितने लोग आएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाने के पहले मिल जाती है। आप वहाँ जा करके सिंपली अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, बायर्स के साथ डील करते हैं, वापस आते हैं ऑर्डर्स के साथ। चौथा तरीका है B2B मार्केट को एक्सप्लोर करना। एक कंट्री आपने टैप किया, उस कंट्री के मैक्सिमम बायर्स को आपने रीच किया, कम्युनिकेशन टू वे पॉसिबली आपने मैच किया, वंस दे आर रेडी, आई मीन दे हैव एक्सचेंज ईमेल्स विथ यू, सैंपल्स आपने एक्सचेंज कर लिए, सब चीज़ें डन है, अभी आप गए, दे वर वेटिंग फॉर यू, यानी कि आपने 4 से 5 दिन का एक टूर बनाया और उस टूर में आप वहाँ पर गए, सब सैंपल्स लेकर के आपने अपने अपने प्रोडक्ट्स के बायर्स को दिखाए, डील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आप डायरेक्टली चले जाते हैं, दिस विल नॉट वर्क। बिफोर यू गो टू एनी ऑफ द कंट्री, वहाँ के पोटेंशियल बायर्स को आपको अप्रोच करके सही माध्यम से मिल करके आपको उनके साथ बिजनेस करना आसान है, बहुत ही आसान है, ये संभव होने लगता है। केवल 4 तरीके नहीं हैं, और भी तरीके हैं, ज़रूरत है थोड़ा समझने की, ज़रूरत है थोड़ा इंप्लीमेंटेशन की, ज़रूरत है कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर प्राप्त करने की ज़रूरत है। जब ये क्वेश्चंस अभी आंसर हो जाएंगे, जब आप मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर नए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, उनको आंसर करने की। दिस इज़ नॉट अ वन टाइम फिनोमेना, इट्स अ प्रोसेस। यदि आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में या फिर हमारे साथ जुड़ते हैं और इन सब चीज़ों को डिटेल में समझने के प्रोसेस में आ जाते हैं, सून यू बिकेम एक्सपोर्टर। आई शेयर कपल ऑफ केस स्टडीज विथ यू। अ जेंटलमैन कॉल्ड सागर लेसवाल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, हमारे साथ जुड़ा, एक महीने में फर्स्ट कंसाइनमेंट लेमन का UAE शिप करता है, और उसके बाद टेक्सटाइल प्रोडक्ट का दूसरा कंसाइनमेंट। धर्मनंदन ग्रुप सूरत से, धर्मनंदन RO प्लांट बनाती हैं, सूरत की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, मल्टीपल कंट्रीज में वो अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पेज पर बींग एक्सपोर्टर फेसबुक पेज पर आपको केस स्टडी देखने मिलेगा, जरी के प्लेयर हैं, हमारे साथ जुड़े, देखते ही देखते 4 कंट्रीज में उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। एक व्यक्ति जो कि केवल 9वीं पढ़े हुए हैं, बायर्स को आए दिन यहाँ पर बुलाते हैं, फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, हमारे साथ ग्रुप पे शेयर करते हैं, बड़ा आनंद होता है। एक्सपोर्ट करना बड़ा ही आसान है, ना लैंग्वेज का बैरियर है, ना फाइनेंसिस का बैरियर है, ना कम्युनिकेशन का बैरियर है। बैरियर है तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स के रेजिस्टेंस का तोड़ने की, यदि कोई बैरियर है तो वो ये है लर्निंग की, यदि कोई बैरियर है तो वो बैरियर है शायद आपके पास समय नहीं है कि आप एक समय दे पाएं और किसी प्रोग्राम में आप एनरोल हो पाएं। फ्रेंड्स, नाउ इट्स हाई टाइम, नेशन नीड्स ग्रोथ, यू नीड ग्रोथ, और फैमिली नीड ग्रोथ, बड़ा ही आसान है। हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को क्रिएट किया है, विटनेस किया है, अधड़क संख्या में सक्सेस स्टोरीज को विटनेस किया है, सालों से भारतवर्ष घूम घूम के सेमिनार कर करके बड़ा आनंद प्राप्त करते हुए मुझे कहने में बड़ा गर्व है, एक्सपोर्ट बड़ा आसान है। यदि आज कोई आवश्यकता है तो केवल इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने की और उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक्शन में तब्दील करने की। एक्सपोर्ट इज़ ईजी, भारत की ग्रोथ में जुड़िए, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनिए, एक्सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, भगीरथ गोस्वामी।